हर हाउस मेकर की ख्वाहिश होती है कि उसका घर नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे, लेकिन अगर हम वाइफ हाउस वाइफ जो हैं थोड़ी सी बीमार पड़ जाएं या फिर कुछ ऐसे हमारे घर की मसरूफियात हो जाएं जिनकी वजह से हम जो है ना वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग ना कर पाए ना, तो हमारे घर का बुरा हाल हो जाता है। तो आज मैं भी जो है ना अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी। डीप क्लीनिंग करने का एक हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमारे घर में ना कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं जो को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, अगर हम किसी को दे देना तो उनका भी फ़ायदा हो जाए और साथ ही साथ हमारे घर से जो है ना वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकल जाएँ। डीप क्लीनिंग ब्लॉग शेयर करने का मकसद ये भी है कि आप लोग मेरे क्लीनिंग के ब्लॉग को बेहद पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो काइंडली इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, बस आपसे यही शिकायत है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने मेरी वॉइस से भी मुझे नोट किया और मेरे लिए दुआएं की, आप सबका बहुत शुक्रिया। और रमज़ान आने से पहले ना आज मैं अपने घर की कुछ डीप क्लीनिंग कर रही थी और हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे, और जब आप हस्बैंड के साथ मिलकर डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो आपको हस्बैंड की जो है ना वो काफ़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि जो घर में एक्स्ट्रा सामान होता है ना तो उसकी वजह से हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलमारी के ऊपर आप हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल था, और एक्चुअली मैंने इसके ऊपर ना सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मेरी थी ना, सारे जो कार्डबोर्ड वगैरह की चीज़ें होती हैं या फिर चॉपर का बॉक्स, बिस्किट्स का बॉक्स जो मैं के ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ, DIY करती रहती हूँ, तो उसका सारा सामान मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई और जगह नहीं बन रही थी। तो बस वो सारा हस्बैंड साफ़ कर रहे थे और मुझे बातें सुना रहे थे कि ये क्या गंद रखा हुआ है, ये रद्दी वाले को देने वाले का सामान भी तुम घर में ही संभाल कर रखती हो, और ये फ़ैन है सीलिंग फ़ैन। तो यहाँ से हस्बैंड ने सारी चीज़ें जो है ना वो हटाई और उसके बाद ना मुझे हस्बैंड ने जाले वगैरह उतार के दिए, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी और रात को भी मैं मेडिसिन वगैरह लेकर आई थी ना, तो मुझे खांसी बहुत शदीद हो रही है। और देखा होगा आपने मेरे व्लॉग्स में भी आजकल कि मैं काफ़ी ठहर ठहर के जो है ना वो बात करती हूँ, वरना बात करते करते है ना मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर सारी क्लीनिंग कर रहे थे और साथ ही साथ मेरे छोटू बेबी भी आज घर पे थे, क्योंकि ये जाग रहे थे, सुबह का टाइम था और ये सुबह नहीं यानी कि दोपहर का टाइम होने वाला था, तकरीबन 12 बजे का टाइम जब हमने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो बच्चों को मॉर्निंग में ही आज छुट्टी थी और मॉर्निंग में ही ट्यूशन वाली बाजी ने जो है ना वो बुला लिया था, तो बस अरहान ही आज हमारे साथ थे और ये भी ना साथ साथ पंगे ले रहे थे, और हम अपनी जो है ना वो डीप क्लीनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने सारा सामान जो ऊपर से उतारा था उसको जो है ना मैं यहाँ पर साइड पे कर रही थी और साथ ही साथ उसको जो है ना फिर मुझे क्लीन करना था, और देख रही थी यहाँ पर मैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं तो वो मैं निकाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी और हस्बैंड जो है ना साथ साथ मुझे जाले वगैरह भी उतार कर दे रहे थे, क्योंकि ये सारा काम जो है ना मेरे हस्बैंड ही करते हैं। छत काफ़ी ऊंची है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, और आप भी मेरे हस्बैंड को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, ऐसा ना उनको नज़र लगे और वो मेरी हेल्प करना ही बंद कर दें। और आप लोगों में से किस किस के हस्बैंड जो है ना इस तरह से आप लोगों की सपोर्ट करते हैं, काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान करके बाकी हस्बैंड भी जो है ना वो अपने वाइफ की इस तरह से हेल्प करते हैं। अच्छा, मेरा घर काफ़ी छोटा है ना तो लाइट्स की कमी है, तो देखिए मैंने कितनी लाइट्स यहाँ पर मैंने लगाई हुई हैं, और नीचे जो मैंने आपको स्लेब अभी दिखाई ना इस पर जो है ना मैं अपनी वीडियो जो है ना अक्सर शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर दराज में जितना भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था ना, ये हमारी एक ख़राब इस्त्री है वो रखी हुई है, और हमारे पास जब पुराना एसी था तो उसका स्टेबलाइज़र था, तो ये चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ काफ़ी गंद था जो मैंने आधा निकाल चुकी थी और आधा भी आपके सामने निकाला है। तो देखिए घर डीप क्लीनिंग जब करें ना हम, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे घर से ऐसी निकल आती हैं जो फजूल जगहों पर ना, यानी कि बड़ी काम की जगह पे हमने फजूल चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो डीप क्लीन अगर हम घर की करते रहें ना तो हमारे घर से एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकलती रहती हैं और दिल को इतना सुकून मिलता है ना डीप क्लीनिंग के बाद के उसको मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे अपना सारे DIY की सारी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ जमा की हुई हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पर रखी हैं इस दराज में, और बाकी जितनी भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ये एक खाली कॉटन ऊपर पड़ा हुआ था, तो ये जो है ना इसमें सब कुछ हस्बैंड ने सेट करके तो ये हम लोगों ने ऊपर रख दिया, ताकि ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी, नेक्स्ट टाइम जब हमें चाहिए हो
तो ये गंदी भी ना हो चीज़ें, और जो है ना वो हमें ऊपर रखी हुई भी बुरी ना लगे। अभी मैं इस कॉटन को भी जो है ना वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी, इसके ऊपर एक कपड़ा डालना चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं अभी फ़िलहाल रहने दो। और देखिए मेरा बिफ़ोर यहाँ का लुक कैसा था, और अभी मैं आफ्टर आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा अच्छा लगा या नहीं लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ तारे हैं जो जिनका मैं कुछ नहीं कर सकती, और ये वैसे नज़र भी नहीं आती, दरवाजे के पीछे ही रहती हैं, तो इसलिए मुझे इससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब जो है ना मैं यहाँ बच्चों के बैग वाली जगह पर आ गई थी, यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड सॉरी लकड़ी का पीस लगा कर ना, ये जो है ना किचन वाली साइड की तरफ जो मैंने यहाँ पर एक पार्टीशन की थी, जहाँ पर मैं अपने बच्चों के बैग वगैरह रखती हूँ और इनकी जितनी भी एक्स्ट्रा कॉपियाँ वगैरह होती हैं ना, इस तरह मैंने एक बैग रखा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने जो है ना वो डाल के रखती रहती हूँ ताकि गंद ना हो। और अब वो बैग मैंने जो है ना वो रिमूव कर दिया, क्योंकि वो कॉपीज़ जो है ना हमने रद्दी वाले को देनी थी, और यहाँ से एक्स्ट्रा सामान सारा हटा दिया। तो देखें ये भी एक एरिया जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया, और देखें ऊपर अभी तक गंद है जो कि मैंने अभी साफ़ नहीं किया। और यहाँ पर जो है ना वो बाकी अंदर हम लोग कमरे में आ गए थे, और कमरे की तरफ जो है ना वो सारे जाले वगैरह हम लोग रिमूव कर रहे थे, और टाइम भी काफ़ी होता जा रहा था क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम था, बच्चों ने भी आना था। खाना तो खैर डीप क्लीनिंग के दौरान मैं नहीं बना सकी। और ये पर एक कप था मेरे पुराने चैनल का, कुकिंग विद अमीमा के चैनल का, तो ये जो है ना वो टूट गया था, तो इसको जो है ना मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखना था, कि ये मैं फेंकना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरी बेटी की तस्वीर थी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक फ्लावर रखा, और जो है ना इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया। ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से ये सेट कर दिया। अब मेरी दूसरी अलमारी के ऊपर देखें जी ये हाल हुआ है। अच्छा ये हाल ना थोड़ा सा मैंने खुद भी बनाया है, ताकि जब मैं आप लोगों के साथ अपने डीप क्लीनिंग की वीडियो बनाऊँ ना, तो थोड़ा सा मज़ा भी आए कि पहले गंदा था और फिर जो है ना वो साफ़ था। तो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो अलमारी के ऊपर से हटा ली। अब ये एक कॉर्नर आता है मेरे कमरे में जो कि टीवी के साथ था, LED लगा हुआ था यहाँ, तो उसके साथ मैंने इसको सेट किया हुआ था, और इन सारी चीज़ों को भी जो है ना मैंने साफ़ करके कॉर्नर को ये भी सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। और अब वापस से मैं बाहर आ गई थी, अंदर से झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी, और वापस अब मैं जो है ना यहाँ बाहर आई थी कि ये मैं बाहर का एरिया अब साफ़ कर दूँ। और अभी आप देख लें कैसा लग रहा है बाहर का एरिया, और अभी मैं जब आपको क्लीन करके दिखाऊंगी तो तब भी आप देखिएगा कि कैसा लगता है। अच्छा एक दो कमेंट आए थे मेरे पास कि आप ही बताएं कि फ़र्श को क्लीन आप किस तरह से करती हैं जो इतना नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो इसको जब मैं वॉश करती हूँ ना, सिंपली मैं जो कोई भी डिटर्जेंट होता है वो डाल देती हूँ इसमें, जिससे आप कपड़े वॉश करते हैं वो ऐड करती हूँ, और उसके बाद जो है ना जो भी आप ब्लीच घर में यूज़ करते हैं ना वो मैं इसमें ऐड करके तो मिक्स कर देती हूँ। अच्छा मुझे ब्लीच से एलर्जी है, तो मैं थोड़ा ही कोशिश करती हूँ कि मैं डालूँ। अगर मैं घर में अकेली होती हूँ तो फिर मैं ब्लीच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती, थोड़ा सा डिटोल ऐड कर देती हूँ। लेकिन ब्लीच डालने से ना आपके फ़र्श के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं जो ना फ़र्श धो रहा हूँ तो तुम एक काम करो कि अपने किचन को साफ़ कर लो, जो भी काम समेटने हैं एक्स्ट्रा बाकी समेटो, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो कंज्यूम हो जाए और हम अपना खाना वाना भी बच्चों के लिए बना सकें और जल्दी जल्दी जो है ना वो काम कर सकें। क्योंकि हम नॉर्मली जब काम कर रहे होते हैं ना तो हमें इतना टाइम नहीं लगता है, यकीन जाने ये वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है ना काम के साथ साथ, ये वीडियो भी बनानी है हमने, काम भी करनी है, तो हमारा टाइम इससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर आ गई थी किचन में, चूल्हे वगैरह साफ़ किए, और ये जो पंखा दरवाजे के पीछे रखा हुआ होता है इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट आई हुई थी, तो मैं जो है ये पंखा वगैरह साफ़ कर रही थी, और हस्बैंड जो है ना आपको दिख रहा होगा पीछे कि वो थोड़ा सा उनका साया दिखा है, वो जो है ना साथ साथ फर्श धो रहे थे। और इस तरह से हम दोनों ने मिलकर ना घर की थोड़ी यानी कि 3 घंटे हमें लगे थे, 2.5 से 3 घंटे, और हमने अपने घर को सारा नीट एंड क्लीन कर दिया था। और अब जो है ना मैं उसी सर्फ और ब्लीच के पानी से, मैंने सोचा आज कोई क्लीनर तो मेरे पास बाकी बचा नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक क्लीनर भी शेयर करूँगी। तो सिंपल मैंने वो सर्फ़ और ब्लीच वाला जो पानी जिससे फ़र्श धोया ना, उसी से ही आज मैंने अपनी स्लेब्स वगैरह भी जो है ना वो क्लीन की, ताकि जो है ना वो उनमें भी एक अच्छी सी शाइन आ जाए। और उसी पानी से ही जो है ना मैं कपड़ा गीला करके ना अपना यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही थी, क्योंकि बच्चों वाला घर हो ना तो आपके फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारे निशान पड़ते ही रहते हैं, और जो है ना वो गंदे हाथ वगैरह भी लगते हैं बच्चों के। इसको मैं तकरीबन हर दूसरे दिन ही क्लीन कर देती हूँ फ्रिज को, लेकिन ये है कि फिर भी बच्चों के हाथ वगैरह लगते हैं ना तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ फ़र्श क्लीन हो चुका था, मैंने पोछा वगैरह लगा के फनाइल का इसको ड्राई कर दिया था फ़ैन चलाने के बाद। जब ये ड्राई हो गया ना तो अब मैं सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर रख रही थी।
और यहाँ पर देखें कि मेरा बैग का कॉर्नर भी साफ है हो गए हैं। और मेरे बच्चे अक्सर, एक मैंने चेयर भी यहाँ रखी होती है, जब बच्चों को पढ़ाई करनी होती है ना तो कोई एक आध बच्चा यहाँ बैठ कर पढ़ भी लेता है इजीली, छोटे वाले बच्चों से छुप कर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारा सामान जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर दिया था, किचन मेरा भी साफ हो गया था, और सुभान भी जो है ना माशाल्लाह से ट्यूशन से आ गए थे, और यहाँ बाहर का एरिया भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया, और दोनों भाई यहाँ पर जो है ना फुटबॉल खेल रहे थे। तो बच्चों को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको यहाँ मैंने बहलाने के लिए छोड़ा, हस्बैंड भी पास ही थे बच्चों के, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हालात आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है और बच्चे गेट खोल लेते हैं। तो इस तरह से कोशिश किया करें बच्चों को कभी भी आप अकेले ना छोड़ें। बच्चों को वहाँ छोड़ने के बाद यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया, बच्चे अंदर आ गए थे और हान जो है वो खेल रहे थे, और सुभान को लगी थी भूख, उसको मैंने दूध वगैरह दे दिया। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का फाइनल लुक। माशाल्लाह से डीप क्लीनिंग के बाद घर मुझे इतना साफ सुथरा लग रहा था, और इतना दिल को सुकून मिलता है ना। और यहाँ से थोड़ा सा आप मेरा होम टूर समझ लें कि यहाँ से जो है ना मेरे घर का एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस हमारे घर का। और इस तरह से मैंने एक साइड पे टेबल रखी है, और राइट साइड पे इंटर होते हैं ना, लेफ्ट साइड पे सॉरी, ये कबर्ड आ जाती है दरवाजे के पीछे। और इस तरह से जो है ना मैंने इसके आगे थोड़ा सामान रखा हुआ होता है, साइकिल और पंखा वगैरह। और मेरा घर काफ़ी छोटा है, एक रूम का ही घर है, तो इसलिए ये गंदा भी बहुत ही जल्दी होता है, और 2-2.5 घंटे में डीप क्लीनिंग भी इसकी माशाल्लाह से हो जाती है। और यहाँ सारा किचन भी जो है ना मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। किचन की मैंने ज़्यादा डीप क्लीनिंग आपको इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी क्लीनिंग इसकी शेयर कर चुकी हूँ, तो कहीं आप बोर ना हो जाएं। और अब यहाँ मैंने पानी भी गर्म कर लिया था ताकि मैं शावर लूँगी, और उसके बाद अब बच्चे भी आने वाले थे तो उनको खाना वाना देना। तो बस कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से बनाया गया है, थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के सब्सक्राइब जब आप लोग करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।